नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड डे और मैं करिश्मा आपके साथ। और नजर डालेंगे इस वक्त की अहम खबर पर। बात कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लकी ड्रॉ के विजेता को पुरस्कार मिला। पटना डीएम विजेताओं को पुरस्कार दे रहे हैं और 8 से 26 नवंबर तक यह कोरोना वैक्सीन लकी ड्रॉ अभियान चलेगा। सेकेंड डोज ना लेने वालों के लिए विशेष अभियान चला था। 2,62,809 लोगों ने वैक्सीन ली दूसरी डोज। पहला इनाम बाइक, दूसरा इनाम टीवी, तीसरा मोबाइल फोन और कुल 119 लोगों को उपहार दिया जाएगा। तो कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर एक बड़ा लकी ड्रॉ आयोजन किया गया है। लकी ड्रॉ के विजेता को पुरस्कार दिया जा रहा है। पटना के डीएम विजेताओं को पुरस्कार दे रहे हैं और 8 से 26 नवम्बर तक कोरोना वैक्सीन की जो लकी ड्रॉ का अभियान है वो चलाया जा रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पटना से लाइव तस्वीरें, जहां पर कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लकी ड्रॉ आयोजित किया गया है और कुल 119 लोगों को उपहार दिया जाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन को एक बड़ा लकी ड्रॉ राजधानी पटना में लकी ड्रॉ के विजेता को पुरस्कार दिया जा रहा है। पटना के जिलाधिकारी विजेताओं को पुरस्कार दे रहे और ये लकी ड्रॉ 8 से 26 नवम्बर तक चलेगा। सेकेंड डोज ना लेने वालों के लिए लकी ड्रॉ आयोजित किया गया है। और अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव पे। गौतम, देखिए, एक कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लकी ड्रॉ आयोजित किया गया है, जिसमें तमाम जो लोग वहां मौजूद है उन लोगों को उपहार दिया जा रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर वहां पर क्या कुछ और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और क्या जानकारी? देखिए, पटना जिला प्रशासन के तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया था वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने को लेकर, और इसी के तहत जो है आज जो है लकी ड्रॉ अभियान में जो है लोगों को पुरस्कृत किया जा रहा है। देखिए, पटना जिला प्रशासन की ये विशेष कोशिश थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोशिश थी और उसमें एक सामाजिक संस्था के सहयोग से जो ये अभियान चलाया जा। इसमें यही था कि जो वैसे व्यक्ति जो सेकेंड डोज लेने के लिए अभी तक सेंटर पर नहीं पहुँच रहे या उदासीनता उनकी है, तो उनको जो है इस वैक्सीनेशन से जोड़ने के लिए एक एक अभियान चलाया गया और इस अभियान की शुरुआत जो है लकी ड्रॉ माध्यम से की गई। लोगों को जो आकर्षित करने के लिए सेंटर पर ये अभियान चलाया गया और इसी में जो है ये अभियान शुरुआत की गई थी। 8 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक जो है इस अभियान की जो है समय सीमा रखी गई थी और इसमें जो है वैसे लोग जो सेकेंड डोज अभी तक नहीं ले पाए हैं उनको सेकेंड डोज लेने पर जो है लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था। और इस अवधि जो है एक बड़ा जो ये समय रहा 8 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक, इस दौरान एक बड़ी संख्या में अचीवमेंट रही है और इस अचीवमेंट का ये कारण रहा कि बहुत सारे लोगों ने जो है वैक्सीन का डोज जो है वो लिया और उसके बाद जो है लोग ने वैक्सीनेशन के प्रति जो जागरूकता दिखाई या जो आकर्षण उनका हुआ, उसके बाद 2,62,809 लोगों ने कोरोना का दूसरा टीका लिया और इसके बाद जो है ये वैक्सीनेशन का एक बड़ा लक्ष्य जो है हासिल करने में सफलता मिली है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर जो है प्रशासन ने इनाम लकी ड्रॉ जो निकाला है उसमें एक अभियान के तहत लकी ड्रॉ में इनाम देने की जो घोषणा थी उसमें मोटरसाइकिल थे, उसके बाद टीवी थे, मोबाइल थे, कुछ और भी कॉन्सोलेशन प्राइज थे, ये तमाम चीज़ जो है ये उपहार में रखा गया था। और इसमें जो कहा जा सकता है कि 119 लोगों को जो है आज लाभान्वित किया जाएगा। वैक्सीनेशन में जो है ये पटना जिला के जो टीका केंद्र थे वहाँ पे जो लोग गए थे उन लोगों को जो शामिल किया गया और पटना जिला अधिकारी जो है इस लकी ड्रॉ में जो है वो निकालेंगे जो विजय भागीशाली होंगे और इसी बिल्कुल। देखिए, एकमात्र उपाय वैक्सीन ही है कोरोना से बचने का और इसको लेकर एक अच्छी पहल जिलाधिकारी की तरफ से, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग है वो वैक्सीनेट हो सके। और जिस तरह से इनाम आयोजित किया जा रहा है तो ऐसे में उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन लेंगे, कोरोना की दूसरी डोज लेंगे। हालांकि अब तक जो लकी ड्रॉ विजेता को पुरस्कार तो दिया जा रहा है और जिलाधिकारी के द्वारा ये विजेताओं को पुरस्कार दिया जा रहा है।
अश्वनी गौतम, तमाम तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।